हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस, अब 1 महीने के आसपास एग्ज़ाम के लिए टाइम रह चुका है, तो आई होप आप सबकी प्रेपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही है। ख़ासतौर पर मैं बात करूँगा यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स की, जो कि यहाँ पर हमारा डोमेन है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पर जो लोग यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, एक तो सबसे पहली दिक्कत आती है कि भाई रिसोर्सेज उतने ज़्यादा नहीं है। हालांकि अनअकैडमी पर मैं पूरी तरह से आपको NTUC नेट के लिए जो है प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, तो उसमें आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। फ्री में भी बहुत सारी क्लासेज यहाँ पर चल रही हैं अनअकैडमी पर, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा कंप्लीट कोर्स खत्म हो चुका है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, और अब हमारा रिविजन कोर्स जो है शुरू होने वाला है 11th of May से सुबह 7 बजे। तो 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। तो अपार्ट फ्रॉम द क्लासेज, चलो क्लासेज तो यहाँ पर चलती रहेंगी, अनअकैडमी पर यूट्यूब पर भी कुछ कॉन्टेंट आपको मिलता रहेगा रेगुलरली, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है वो है दैट व्हाट टू डू इन द लास्ट 30 डेज और 40 डेज, जितनी आपके पास बचते हैं। तो क्या करना है, प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो गाइज यहाँ पर दो तीन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपके प्रिपरेशन में। तो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, तो सबसे पहली चीज़ है कि सबसे पहले एनालाइज करिए दैट आपने पढ़ा क्या क्या है अभी तक, ठीक है? उसको एनालाइज करिए, उसको जरा नोट डाउन करिए कि क्या क्या चीज़ें आपको आती हैं, कौन सी यूनिट आपने कवर करी है, कौन सी यूनिट अभी आपको कवर करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको अभी डिस्कस करनी है खुद से, खुद देखो यहाँ पर एनालाइज करो कौन कौन सी चीज़ें आपको कवर करने को हैं अभी। उसके बाद देखो कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो कवर हो सकती हैं अभी इस टाइम पे, उसके बाद उसको रिवाइज करिए अच्छे से। कंटेंट तो खैर अभी तक बहुत अच्छे से कवर हो जाना चाहिए आपका, रिविजन करो उसका बहुत अच्छे से। PYQs लगाओ, PYQs भी अभी तक लगभग आप 5 साल, कम से कम अगर 5 साल के PYQs किए हुए हैं आपने अभी तक, तो आप अच्छी डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, बढ़िया आपका चल रहा है। तो कोशिश करो कि लास्ट 10 ईयर्स के यहाँ पर आप कर पाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी बूस्ट होती है प्रेपरेशन। तो इसीलिए रिविजन के बाद प्रैक्टिस करते रहो और इस पर्टिकुलर साइकिल को चलाते रहो, रिविजन करो प्रैक्टिस करो रिविजन करो और प्रैक्टिस करो, यही चीज़ें रहेंगी जो आपकी फाइनल फेज में काम आएंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस एंड अलॉन्ग विद दिस आपको काम करना है कुछ नई चीज़ें, अभी आप देख सकते हैं अभी टाइम है आपके पास, लेकिन जब 10-15 दिन रहते हैं एग्जाम के लिए उस वक्त बिल्कुल भी नई चीज़ें नहीं देखनी है। नई चीज़ें भी ऐसी बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जिसमें करंट अफेयर्स की कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपकी कुछ स्कीम के बारे में डिस्कस हो जाएगा, या कुछ यहाँ पर ऐसा अपॉइंटमेंट्स किसी की हो रही है नहीं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे इस तरह की चीज़ें, चाहे इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई चीज़ है, चाहे बजट से रिलेटेड कोई चीज़ है, इकोनॉमिक सर्वे से कोई रिलेटेड चीज़ है, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। उससे क्या है, ब्रशअप हो जाएगी आपकी थोड़ी सी और प्रिपरेशन। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान रखें, और जो भी इस प्रिपरेशन में अभी आप जिस प्रिपरेशन को कर रहे हैं अपने जून 2022 के अटेम्प्ट के लिए, JRF के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ कंसिस्टेंसी रखनी है। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं है कि आपने एक दिन गैप दे दिया तो वो भी कंसिस्टेंसी में आएगा, बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी का मतलब है बिल्कुल, अगर 1 महीना है, 30 डेज है, तो 30 के 30 डेज आपने इक्वल पढ़ाई करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको कि 10 से 12 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, जस्ट ट्राई टू मैनेज 5 और 6 आवर जितने भी आपके पास हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली होना चाहिए। तो दैट इज द ओनली वे यू कैन गो थ्रू द चेयर। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करने वाली है। तो अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई क्वेरी आपकी है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रिसोर्सेज थोड़े से कम है ऑनलाइन, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फ्री में आपको यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड कर दें अनअकैडमी पर। बहुत सारी फ्री क्लासेस चल भी रही हैं, कल सुबह भी क्लास रहेगी 9:15 बजे अनअकैडमी के फ्री प्लेटफॉर्म पर, उसमें हम MCQs कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, और इससे पहले बहुत सारी क्लासेस हो चुकी हैं, तो उनको भी अगर आप देखते हैं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और प्रेपरेशन करते रहो और छोड़ना मत प्रेपरेशन, सबका इस बार हो जाएगा एग्जाम जो यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं पहले से। तो अगर किसी ने अभी शुरू की है प्रिपरेशन, कोई बात नहीं, इस बार अटेम्प्ट दे दीजिए, देखो किस तरह का क्वेश्चन आता है, कैसे आपने अटेम्प्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए फिर आप अच्छे से करिए। जिसने अभी शुरू ही किया है, जिन्होंने शुरू कर लिया है, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर कॉन्टेंट, जिन्होंने यहाँ पर PYQs कर लिए हैं, MCQs कर लिए हैं, जो बिल्कुल रेडी है यहाँ पर अपने एग्जाम के लिए, तो इस 1 महीने को, 35 डेज 40 डेज को इनको अच्छे से मैनेज कर लो, JRF बिल्कुल हो जाएगा आपका, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था आज, तो होपफुली हेल्पफुल रहा होगा आपको। थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी होता है इस लेवल पे, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है, गो विद द फ्लो, देखो यहाँ पर क्या चल रहा है, जो जो चीज़ें आप करते जा रहे हैं बस उनको करते जाइए, और फाइनली एग्जाम दिन तक, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन तक जो है वैसे ही कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसली पढ़ाई करते रहिए यहाँ पर, ठीक है?
तो बाकी मिलते हैं क्लासेस में आपसे, और कोई भी अपडेट होगी तो आई विल बी ऑन यूट्यूब डेफिनेटली, और आपको अपडेट में दे दूंगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियो. सो मिलते हैं फिर क्लासेस में. ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडी. बाय बाय, टेक केयर.